हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ दी ऑडिटिंग एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड दी इंटरनल ऑडिट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडोसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है डैट इज़ रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट और काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के बीच में जो सिमिलैरिटी है कि वो इंटरनल कंट्रोल का ही हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल चेक के जैसे नाम से ही पता चलता है कि अंदरूनी चेक के जो ड्यूटीज़ हैं वो इस ढंग से अरेंज की होती हैं कि कोई भी बंदा जो है वो पूरे काम को मतलब पूरा काम वो नहीं परफॉर्म करता। मतलब इस ढंग से होता है कि जैसे मैंने काम किया है तो मेरा काम ए पर्सन ने चेक किया, ए का काम बी पर्सन ने चेक किया और बी का काम सी पर्सन ने चेक किया। द अरेंजमेंट ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द मेंबर ऑफ स्टाफ इन सच ए मैनर डैट द वर्क परफॉर्म्ड बाय वन ऑटोमेटिकली एंड इंडिपेंडेंटली चेक बाय द अदर। तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय जो है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है बट वो सारा काम जो होता है वो खुद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेटिंग बट इट डज़ नॉट इन्वॉल्व डुप्लीकेटिंग द वर्क ऑफ अदर। और उसी तरह क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक बंदे ने काम किया तो उसका काम दूसरा चेक करता है और दूसरे का काम तीसरा चेक करता है। तो यहाँ पे फ्रॉड, एरर और इरेगुलरिटी जो होते हैं, क्योंकि नेचुरली ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्योंकि वो पूरा काम नहीं करता, उस कुछ पार्ट काम करता है और ऑटोमेटिकली वो दूसरा बंदा उसको चेक करता है, तो वहाँ पर कोलूजन होने के चांसेस नहीं है, वहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। इंटरनल चेक का जो सिस्टम है इसके अंदर चार चीज़ें मैटर करती हैं। द वर्क इज़ डिवाइडेड इन सच ए वे डैट ऑल द ड्यूटीज़ आर असाइन टू द डिफरेंट क्लर्क्स, कि यहाँ पे ऑल द ड्यूटी जो होती हैं डिफरेंट क्लर्क्स को दी जाती हैं और क्लर्क जो है उसको काम उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मिलता है। और यहाँ पे एक क्लर्क जो है बिगनिंग से एंड तक सारा काम नहीं करता, एक क्लर्क जो है इंडिपेंडेंटली काम करता है और उसका काम जो है दूसरा ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। उसी तरह हम इंटरनल ऑडिट देखते हैं कि ये भी क्या है कि जो ऑपरेशन एंड रिकॉर्ड्स है उसका इंडिपेंडेंटली अप्रेजल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ जो है इंटरनल ऑडिट के लिए अपॉइंट किया जाता है, जो कि कंपनी के रिकॉर्ड्स और वेरियस ऑपरेशंस जो है उसको रिव्यू करता है। तो ये एक स्पेशलाइज सर्विस होती है कि जो बंदा सारा चीज़ों को चेक करता है उसकी अकाउंटिंग के अंदर एक्सपर्टीज तो होनी ही चाहिए, साथ में ही शुड बी एक्सपर्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे होता है कि इंटरनल कंट्रोल के अंदर कोई वीकनेस रहती है तो उसको यहाँ पे जो है मतलब कोशिश की जाती है कि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के बीच में जो सिमिलैरिटी है कि वो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल चेक के अंदर क्या होता है कि ड्यूटीज़ को इस ढंग से किया जाता है कि वर्क ऑफ वन पर्सन इज़ ऑटोमेटिकली चेक बाय दी अदर, जैसा कि बैंक में होता है। इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स है, ऑपरेशन है, उसका इंडिपेंडेंटली अप्रेजल किया जाता है कि इंटरनल कंट्रोल जो है एग्जिस्ट करता है, कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे इंटरनल चेक के अंदर क्या होता है कि मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और इरेगुलरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसके अंदर कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है। तो यहाँ पे इंटरनल चेक के अंदर कोई नया स्टाफ रिक्वायर्ड मतलब करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ ही इस ढंग से एलोकेट की जाती हैं। तो यहाँ पे हमें एक सेपरेट स्टाफ जो होता है रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज सर्विस है। इंटरनल चेक एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि काम जो है डिफरेंट क्लर्क को, डिफरेंट बंदों को असाइन किया जाता है और एक बंदा इंडिपेंडेंटली काम करता है और उसका काम जो है दूसरा ऑटोमेटिकली चेक कर देता है। यहाँ पे जो इंटरनल ऑडिट के अंदर जो है वॉचमैन का होता है काम के जो काम है वो सही तरीके से किया गया है, उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। इंटरनल चेक जो है डैट इज़ एन ऑपरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन के जब काम चल रहा होता है उसी वक्त चेकिंग होती है। उसी वक्त ही क्या होता है कि एक का काम जब दूसरे के पास जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको चेक करता है। इंटरनल ऑडिट स्टार्ट व्हेन द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन इज डिफरेंट।
देखो इंटरनल चेक जो है डेट इज़ द डिवाइस फॉर डूइंग दी वर्क, कि हमने काम को इस तरीके से करना है कि ऑटोमेटिकली चेक हो जाए। तो यहाँ पे होता है कि जब काम कंप्लीट हो जाता है तब उसको चेक किया जाता है। इंटरनल चेक के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है एरर और फ्रॉड जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क आइडेंटिफिकेशन होता है। यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ दी जो वर्क है, यहाँ पे इसको मैं कंप्लीशन कर देती हूँ। काम के ख़त्म होने के बाद इंटरनल चेक का जो स्कोप होता है लिमिटेड होता है, लेकिन ये कंपैरेटिवली ब्रॉड होता है। इंटरनल चेक के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इंटरनल ऑडिट के अंदर सेपरेट स्टाफ चाहिए होता है, तो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर नीडेड फॉर दिस पर्पज़।